Assalamualaikum, तो कैसे आप लोग? इंशाल्लाह अच्छे हैं, खुदा के भरोसे पर सब कुछ अच्छे। तो गाइस देखो, मॉर्निंग हो चुकी है, अभी नाश्ता पानी हो गया मेरा। तो गाइस आज मैं पास्ता बनाने वाली हूँ, और आप लोग को दिन भर की कुकिंग दिखाती हूँ। तो मिलते हैं, बने रही है मेरे साथ में। तो गाइस देखो, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, अभी मैं बना रही पास्ता नाश्ते में। देखो पास्ता पसंद है। देखो मैंने पास्ते को उबाल के अच्छे से धो के इसको मैं ठंडे पानी में डाल के छन्नी में रख चुकी हूँ। मेरा पास्ता अच्छे से डूब चुका है, उबल चुका है और ये पानी में ठंडा मिल गया है। इसके लिए मैंने दो गाजर काटी, दो शिमला मिर्च, ये पास्ता मसाला। अभी लोग कैसा बनाते हैं आप लोग को दिखाते हैं। अदरक लहसुन का पीसा, लाल मिर्ची पाउडर है, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखो मेरा कांदा लाल हो चुका है, ये देखो मैं डाल दी अदरक लहसुन का पीस, दो चम्मच अच्छे से बड़ा अच्छी दिखा। तो गाय देखो अच्छे से बिल्कुल लाल हो रहा है, भूनेंगे ना सबसे। अभी डालिए देखो हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा डालिए, डालेंगे लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, आधा किलो ना दो ज़्यादा बना लो दो चम्मच। अभी शिमला मिर्च और गाजर डालेंगे ना तो अच्छा लगता खाने में। अच्छे से तो मसाले को भून लेंगे इसमें। अभी थोड़ा कर लिया है इसको, मैं थोड़ा सॉस डालिए, थोड़ा नमक कम डालिए। अभी जरा गली गली गाजर मिर्च है, मस्का अमूल मस्का है, अब लाई है तो अमूल मस्का डाली ना, अच्छा लगता है। इसमें डाली हूँ अमूल मस्का, अभी अमूल मस्के से ना और अच्छा टेस्ट आएगा। मैं आप लोग को ये अभी दिखाती हूँ बने। तो गाइस देखो मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है, अभी मैं डालूंगी इसके अंदर पास्ता मसाला। देखो मैं डाली पास्ता मसाला, पास्ता मसाला डाली। देखो अभी डालेंगे इसमें मिर्ची लेके डालती हूँ, पास्ता डालेंगे इसमें, अच्छे से मसाला भून चुका है ना। और ये डालेंगे पास्ता जो उबाल के रखी ना, ऐसे अच्छे से मैंने इसको मसाले में मिला डाली। देखो मस्त हो गया पास्ता। नमक अपने स्वाद के हिसाब से डाल देना, नमक ज़्यादा हो जाता है इसमें, नमक कम रहेगा चलेगा, नमक ज़्यादा हो जाएगा अच्छा नहीं लगता।
मिसू चिंग चाइनीस एक पल्लू वाली सेजवान चटनी क्या होता है चिंग चाइनीस सेजवान उसको वाला इस चना चाहिए पेज अच्छा लगता है दो चम्मच ये डाल दीजिए इससे पेज बढ़ता है मेरा पास्ते का और खाने के टाइम भी इंसान ऊपर से लेके खा सकता है इनके मुझे अंदर ही डाल दी पास्ता पल्लू हो गया देखो मैं थोड़ा बना भूनूंगी इसको उसके अंदर कोथमीर डाल दूंगी फिर मेरा पास्ता देखो अच्छे से कलर भी अच्छे से आया है और खाने में भी अच्छा है और देखने में भी अच्छा है पास्ता हो गया अच्छे से देखो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छा आया है देखने में भी अच्छा लग रहा है खाने में एक नंबर टेस्ट लग रहा है अभी इसको मायनीस मिला के खाओ अपने ऊपर है इसको ऐसे ही खाओ सेजवान चटनी डाल के खाओ अपने ऊपर है सब ये ऐसे तो कुछ जानने की जरूरत नहीं सब डाल चुकी है इसे और जिसको मायनीस अच्छा लगता है ना डाल के खाते पास्ता कोई भी नहीं ऐसे ही बना लेगा पकड़ मुझसे कोई नहीं बना लेगा पास्ते का बनाना असली है ये उसको उबाले पास्ता मसाला डाले हो गया पास्ता नहीं पास्ते को बनाओ प्यार से खाने में पास्ता लगता है प्यार से हर चीज़ बनाओ प्यार से तो क्यों नहीं अच्छी बनी तो गाइस ये मैं दिन के दिन क्यूटिंग दिखाती मिलते गाइस आज देखो मैं बना रही हूँ चाइना मिक्स बहुत दिन से मैं गई थी ना मुझे मार्केट में लेके आई थी ऐसा से योगेश्वरी मार्केट से चाइना मिक्स लेके आई थी देखो चाइना की इसमें मैंने तोड़ के ना इसके अंदर डाल दी छोटा छोटा टुकड़ा करके देखो गर्म पानी के अंदर अभी मैं इसको पकाऊंगी अच्छे से और इधर मेरा दूध गर्म हो रहा है अभी दूध के अंदर में दूध अच्छा गर्म हो चुका है उसमें शक्कर डाली शक्कर डाली शक्कर डाली इसमें दूध में मेरे एक लीटर दूध पूरा आई है एक लीटर दूध पूरा है उसमें शक्कर डाली अभी गर्म हो रहा है और चाइना की रेसिपी अच्छे से मेरा पक रहा है इसको चाइना की चढ़ाएंगे ना तो उसको अच्छे से मैं सब पकाने का एकदम अलग से पका के ये जो फटक से बनने वाली चीज़ें टाइम भी लगता है मलाई अच्छी बनती है ज़्यादा करें तो चिक से बनती है चिक की मलाई खास कर जेल जाएगा तो दूध गर्म हो चुका है तो चाइना ग्रीस एक लीटर दूध में एक पैकेट डालने का तो वो अच्छा बनता है ये और बनाएंगे दूध को अच्छे से पका ली मैंने तो कर दी अच्छा देखो मेरा चैनल हो गया पक्के अच्छे से इसके कोई लम्स होते हैं ना ये सब लूंगे रहना चाहिए नहीं तो लम्स अच्छे से पकना चाहिए तो अच्छी कट हो जाना चाहिए लंच खत्म हो गए ना मेरे फिर मैं तुमको दिखाती हूँ मेरे ये लंच पूरे गए खत्म हो गए जल गया देखो अच्छे से मेरे बचपन में मेरा बहुत मेरी माँ बनाती थी हम लोग बहुत खाते थे ये अभी बहुत दिन के बाद में इतना कल मार जोगेश्वरी मार्केट गई थी इनको अच्छा लगा मैं फटक से ले ली फिर अभी ये मैं दूध गर्म करके रखी हूँ अभी जो मेरा है चाइना ग्रीस मैं पूरा इसमें डाल इसको ऐसे हिलाऊं
दूध की प्लेट में रख के गैस पे अच्छे से हिलाने का, उसको अच्छे से मिलना चाहिए पूरा। तो गाइस मिल जाएगा ना, इसको जमाने का कोई भी चौड़े बर्तन के अंदर ना अच्छे से जमा देंगे, एकदम गाढ़ा मलाई बन जाती है। बल्ली मलाई कैसी बनती है? अरे सेम बनती है। बड़े बर्तन में निकालो या छोटे छोटे प्याले में निकालो अपने ऊपर है, एक घंटे में अच्छा जम जाता है। मैं पहले ना मेरी माँ के घर में थी ना, तो मैं बहुत खाती थी बनाती हूँ, मैं बहुत बनाती हूँ, जब दिन में आता नहीं बनाते हैं, अभी तो बहुत दिन के बाद में लेके रमज़ान में भी नहीं लाई, रमज़ान में भी मुझे ध्यान से निकल गया था। इसको अच्छे से घोल के दूध में पका लेना, पूरा दूध पके ना गाढ़ा हुआ था। अंदर दूध पलटी कर दी हूँ चौड़े बर्तन में, अभी थोड़ा सा मैं काजू बादाम डालती हूँ इसमें, ये देखो गाढ़ी भी अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट आता है। अब ये जमेगा, ठंडा होएगा तो इसको कटिंग करके हो जाएगा। इसको मल्ली मलाई इसी को बोलते हैं जमे। तो गाइस फिर जमने के बाद में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा पड़ता है। तो गाइस देखो, मैं आज मैं ना चिकन लॉलीपॉप लेकर आई, तो फ्राई कर रही हूँ, इसी रेसिपी आप लोगों को मैं दिखा दी। तो फिर चिकन लॉलीपॉप बनाया होगा अच्छी लगता है। तो देखो गाइस बन चुकी है, चाइना ग्रीन बना दिए, फ्रीज में जमाने रखी, अभी चिकन तल रही हूँ। चिकन तलने के बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ चिकन का मस्त कल जा रहा है। तो गाइस दिखा दो चिकन लॉलीपॉप है, चलो भी खाने खाने वाले में आप लोगों को मीठी मीठी दिखाती हूँ। गाइस देखो मेरा बल्ली मलाई अच्छी से जम चुकी है, तो काजू बादाम डाली थी, देखो मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। पीस निकल रही है इसकी अच्छे से, लो खा के देखो जरा कैसे बना। हाय गाइस, सलाम वालेकुम। देखिए आज हमारी बीवी ने बनाई है बल्ली मलाई, चाइना ग्रीस मलाई है। बल्ली मलाई तो चिकन की बनती है, कैसा दिखता हूँ चाइना ग्रीस मलाई। ये सेवई जैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी आए खाना खाने के, देखो अभी आए खाना खाने के, देखो मेरे मोगरे के फूल कितने सारे आ गए, देखो माशाल्लाह कितनी अच्छा लग रहा है, पांच पांच फूल मोगरे के लिए इतनी खुशबू आ रही है। देखो इधर गुलाब भी खिला है दो, अरे देखो ये सदाबहार तो इतने खिले हैं, देखो सब फूल ही फूल है ऊपर ऊपर, देखो जहाँ नीयत साफ वहाँ बरकत ही बरकत फूल हो गए। देखो ये तो मेरा गुलदस्ता ही बन गया, कितना फूल मस्त है, देखो मैं उतार के दिखा रही हूँ आप लोग को, कितना इसके दो चार ही फूल थे जब मैं लाई थी इसको, आप देखो कितने सारे बन गए, पूरी कली भी आ गई है इसमें भी, और देखो ये बुल वाले इसमें भी फूल आ गए, कितने फूल इसमें फूल है, बहुत फूल है। देखो सदाबहार के तो कितने सारे फूल ही फूल है, मोगरे के तो देखो कितने खिले हैं, पांच पांच फूल खिल गए और इतनी खुशबू आ रही है ना, अच्छा लग रहा है। रात में खिले, रात में ही खिले सब, कल से खिल रहे हैं, आज आज पूरे खिल गए। और देखो ये गुलाब के कब से लाई हूँ, अभी तक ना सूखे ना कुछ, इतने अच्छे खिले हुए हैं। और ये देखो मेरा गुलदस्ता है सब फूलों का, इतना अच्छा लग रहा है ये, इसे मैंने आज खाद भी डाली, वो देने के खाद बनाने के ना खाद डाली, देखो कितना अच्छा मेरा बगीचे के तरह फूल 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 लग रहा है, गार्डन भी अच्छा लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। सब झाड़ देखो उसमें ताज़े तौर है, एक भी झाड़ के पत्ते सूखे हुए नहीं, एक भी सूखे, देखो कितने अच्छे फूल फूल है। ये तो बेल हमारी कितनी अच्छी लगी है, इसकी मैंने बेल काट के ना दूसरे में लगाई थी, ये देखो उसका गुलदस्ता बनाई थी, मैंने हाथों से बनाई है गुलदस्ता, इतना खूबसूरत लग रहा है।
ये ज़्यादा हो गई थी ना बेल, अभी बहुत लटक रही थी मेरी, लाख काट काट के इसकी गुलदस्ते इधर एक बनाई और इधर एक बनाई, ये सब बना बना के रखी अच्छा। मेरे को ना झाड़ में पानी, झाड़ मेरे हाथ के झाड़ ना इतने फल जाते हैं ना, कभी मैं एक झाड़ कोई भी लगा दूँ ना तो फलना ही फलना। देखो साइज साहब मेरे झाड़ के फूल है, आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। अब मेरे झाड़ों को हमेशा और आप लोग भी ऐसे ही झाड़ लगाओ, ऐसे ही फूल लगाओ तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। और मेरा बगीचा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं गाइस। देखो अभी हमारा खाना भी ना हो गया है, चिकन फ्राई करी थी, लाड़ी पाप फ्राई करी वो खाए, और ना आप लोगों को बल्ली बनाई खटी दिखाई, मैंने बल्ली बनाई नहीं मतलब चाइना गीज का बनाई दूध का वो बनाई, और हमने मैंने पास्ता वो बनाई थी आप लोग को सब कमेंट में कैसा लगा, और मैंने झाड़ के फूल भी दिखाई थी आप लोग को गार्डन, वो भी आप कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, दुआ में याद रखना। तो कैसा बना चाइना गीज? चाइना गीज तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा। चिकन कैसा था लाली पाप? हाँ लाली पाप बहुत अच्छा था। तो खाने में अभी खाना भी ना हो गया, अभी यही मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, तो भी मिलती है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में जरूर याद रखना। हाँ दुआ में याद रखना।